दलेर बाजी यूर लेजेंड यूर बैक ऑन द सीन राइट नाउ जोरदार तालिया दलेर मेहंदी के लिए प्लीज बट but... मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ राकेश मेहरा जी का कि जो ये बिलीव रखते हैं प्यार करते हैं आवाज़ को पसंद करते हैं तो काफ़ी सालों से पांच-छह सालों से बहुत ही आराम से बैठा हुआ था अपने शोज़ कर रहा था म्यूज़िक काम करता हूँ सालों साल बिजी हैं पर फिल्मों में आप खुद ही जानते कोई गाना नहीं आ रहा था ना ही मैं गा पा रहा था क्योंकि जिस तरीके का माहौल चल रहा था उससे मुझे कुछ समझ नहीं आती थी, थी कि, कि किस तरीके का ये दौर शुरू हो गया है कैसे गाने शुरू हो गए हैं तो जब मुझे बुलाया गया मिर्ज़ा के लिए और मैं मुंबई आया और मुंबई आकर स्टूडियो में शंकर साहब गुलजार साहब साहब बैठे हुए थे और पहुँचा जी हाँ जी मुझे क्या गाना है तो मुझे शंकर जी ने कहा कि आपने स्टोरी को ये एक हो रही है और आपने स्टोरी लाहौरों की बस्ती है और इस तरह आपने बताना है स्टोरी को तो मैं पंद्रह बीस मिनट बहुत ही तो सोच में पड़ गया कि मैं किस तरह बोलूं क्योंकि मेरी आवाज़ जो है वो गाने गाने के लिए तो है लेकिन उतनी अच्छी नहीं है जैसे ओमपुरी साहब गुलजार साहब की आवाज़ है लगता है कि फरिश्ते बोल रहे हैं बहुत कमाल तो मुझे लगा कि मैं नहीं गा मैं नहीं बोल पाऊँगा और फिर मैं सोचा कि अब थोड़ी देर और बिताया तो इन्होंने कहा कि अच्छा ये आप फिर साईं जहूर जी की बहुत बहुत अच्छी आवाज़ जो शुरुआत वो करते हैं मिर्ज़ा में बहुत बहुत सूफ़ी फ़कीर हैं बहुत अच्छा नाम है उनका सूफ़ी में तो उनकी आवाज़ सुनाई फिर कहा कि इसमें आप ये दो लाइनें ऐसे ऐसे आप गा दीजिए वादियाँ दूधियाँ कोहरे की तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी तब मैंने रिदम वगैरह बिल्कुल नहीं सुनी थी कि कैसी रिदम में क्या है और वो मैंने गाना गाया फिर जब मैं वहाँ से निकलने लगा तो मुझे लगा मेरे दिल से एक आवाज़ आई कि मिर्ज़ा अगर हो तो वो कैसा हो कैसी उसकी उसकी पहचान कैसी होनी चाहिए किस तरह उसे बुलाया जा सकता है तो मैंने फिर गुजारिश की गुलजार साहब को राकेश जी को शंकर जी को कि मैं एक लाइन मिर्जा साहब मगर गाना चाहता हूँ तो अगर आप बोलें तो तो बहुत बड़ी दरिया है क्योंकि इतने बड़े कलाकार हैं उनके सामने कुछ कहना बहुत छोटी बात हो जाती है और इनका जी ठीक है आप कीजिए तब रब जानता है कि मुझे लगता है कि ये ये हर्षवर्धन जी श्यामी जी इनकी तकदीरों की वजह से ये सारे हम लोग जुड़े हैं इन तकदीरों की वजह से एक इतना बड़ा काम है क्योंकि मिर्ज़ा साहबा जी बहुत बहुत मिर्ज़ा साहबा बहुत बहुत छोटा सा टॉपिक नहीं है बहुत हम भी बचपन से सुनते हैं यहाँ पे आप सब ने लेकिन इसे बोलना इसे कहना और इसे गाना अगर रब की मेहर हो तभी हो सकता है कि ये बहुत बड़े और सच्चे आशिक हुए हैं हीर रझा सोनी माहिवाल तो इनके ऊपर गाना तो इन्होंने कहा कि ठीक है आप गाइए तो फिर एक ही बार में माइक के सामने में खड़ा हुआ और जो मेरे दिल से आवाज आई बिना सोचे समझे ओ मेरे और उस चीज को चार चांद लगा दिए शंकर जी की टीम ने गुलजार साहब के बोल रहे हैं राकेश जी के तो मैंने तो बहुत एक एक बर्फ़ एक ही लाइन छोटी सी गाने की कोशिश की और रब ने गवाई फिर मैं बहुत बहुत शुक्र गुज़ार हूँ कि इनकी वजह से आज जो इंडस्ट्री का जो एक रुख है दौर है म्यूज़िक इंडस्ट्री का म्यूज़िक है वो मिर्ज़ा की वजह से बिल्कुल चेंज हो गया और बहुत साफ सुथरा और ख़ूबसूरत प्योर इंडियन ये जो गाना आप सुनेंगे ये प्योर इंडियन म्यूज़िक है ये जो ये बहुत ही ये जो गाना पूरा चल रहा है इसमें कहीं भी आपको वेस्टर्न या कहीं से यहाँ से म्यूजिक चुराया वहां से चुराया बिल्कुल नहीं एक इंडिया की रूह है प्योर प्योर इंडिया का म्यूजिक है और पहला म्यूजिक है तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका और मीडिया का भी और जितने भी फैंस हैं जिन्होंने सर आंखों पर बैठा लिया और हम चाहेंगे कि इसी तरह आप इन दोनों स्टारों को हमें हम सबको ब्लेसिंग दीजिए कि और इसी तरह अच्छे अच्छे काम करते रहें शुक्रिया थैंक यू फॉर मोर न्यूज एंड गॉसिप डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बॉलीवुड हेल्पलाइन